तरह से जानते हैं कि हमारे देश के दो राष्ट्रीय पर्व हैं, पहला है स्वतंत्रता दिवस, दूसरा है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। हर वर्ष हम बहुत हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसकी याद में मनाते हैं कि 1950 ईस्वी में हमारा संविधान लागू हुआ था, जो हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। इस संविधान के बनाने वाले में अहम भूमिका जो रही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद वगैरह का। ऐसे मौके पर हम उन वीर शहीदों को याद करते हैं जिन लोगों ने अपनी शहादत देकर हम आज जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं अपने देश में, उनको आज़ाद कराया, उनको हर तरह से हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं और इस मौके पर हमको याद करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी हमारे इस मौके पर यह होती है कि राजपथ में, जहां इस साल भी 10:30 बजे बघी से राष्ट्रपति भारतवर्ष के वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर लेने के लिए जो आएंगे, वहां पे इस साल सबसे ज़्यादा 75 लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भरेंगे। एक अजीब दृश्य और खुशनुमा दृश्य होगा। साथ ही साथ हम आप सब जानते हैं इस मौके पर राज्य के सभी राज्यों से झांकियां आती हैं, जो अपनी संस्कृति, वेशभूषा, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न जुबानों का को प्रदर्शित करती हैं। ये सब चीज़ें तो अनेकता में एकता इस देश की जो खूबी रही है वो हमेशा से बरकरार है, और यही खूबी हमारे देश की दुनिया वालों में एक अच्छा संदेश जाता है। ऐसे मौके पर मैं खास तौर से गढ़वा वासियों को और पूरे अपने देश के सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ पेश करता हूँ। जय हिंद।